दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका बहुत ही खास वीडियो में। दोस्तों, कल 14th of May को 2023 में एक पेपर हुआ था, सीसेट का पेपर, यूपीपीसीएस का पेपर हुआ था, प्रीलिम्स का। और इसमें दो पेपर होते हैं जैसा कि आप जानते हैं। पहला सीसेट होता है जो कि मैंडेटरी होता है, इसके पास करने के बाद ही आपके अगले पेपर चेक किए जाते हैं। तो कल आपके सीसेट के एग्ज़ाम में जो भी इंपॉर्टेंट सवाल पूछे गए थे, उन क्वेश्चंस की कुछ पीडीएफ मेरे पास अवेलेबल है। आइए उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। और आप देखेंगे बच्चों, ये सवाल ऐसे थे कि बहुत ही अच्छे सवाल थे, ट्रिकी सवाल थे और इजी भी थे। सीसेट का पेपर जो होता है ना, पेपर वन, ये कंपैरेटिवली इजी होता है, रिमेनिंग पेपर थोड़ा सा टफ होते हैं। तो चाहे यूपीपीसीएस 2023 के सीसेट का पेपर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और आइए देखते हैं कि कैसे सवाल पूछे गए थे और इसको कैसे सॉल्व करना है। जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था उनके लिए इजी हो जाएगा मैच आंसर की में, और जिन्होंने नहीं एग्ज़ाम दिया था वो अगली बार ज़रूर फॉर्म भरेंगे। और इस तरीके से आप सीसेट का पेपर देख सकते हैं और आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। तो देखिए, मैथ और रीजनिंग के जो अच्छे सवाल पूछे गए थे, इजी सवाल पूछे गए थे, हम उसको इसमें डिस्कस करेंगे। लेटर ऑन कुछ अलग वीडियोस में हम बाकी के रिमेनिंग सवाल को डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो पहला प्रश्न जो कि इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये पेपर वो है बच्चों जो कि आपके यूपीपीसीएस 2023 प्रीलिम्स के पेपर टू यानी कि सीसेट के पेपर में पूछा गया था। अब आप इस सवाल को देखिए, आपसे सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है E इज इक्वल्स टू 5। कितना आपका दिया है बच्चों? आपका E इज इक्वल्स टू यहाँ पे 5 दिया हुआ है, करेक्ट। और कह रहा है कि अमेंडमेंट के 89 अगर शो किया जाता है तो सेक्रेटरी का क्या होगा। ये बहुत ही अच्छा सवाल था, आसानी से आप इसको कर सकते थे और आपने अगर एग्ज़ाम दिया होगा तो कर लिया होगा। देखिए, E इज इक्वल्स टू 5, जब E इज इक्वल्स टू 5 दिया है तो अगर आप बच्चों 1 काउंट करेंगे, ए बी सी डी ई, ई पाँचवें नंबर पे आता है। तो अब यहाँ पे देखिए, ई जो है पाँचवें नंबर पे आता है, ठीक है? तो इसका मतलब 89। अब ए का मतलब 1, एक पहले नंबर पे आता है। एम कौन से नंबर पे आएगा? 13 नंबर पे, प्लस 13। ई कौन से नंबर पे? 5 भी दिया हुआ है। एन कितने नंबर पे आएगा? एन आएगा 14 नंबर पे, ठीक है? डी कितने नंबर पे आता है? डी आता है हमारे 4 नंबर पे। M फिर से, M कितने नंबर पे आएगा भाई? M आएगा हमारे 13 नंबर पे। E कितने नंबर पे आता है? E आता है 5 नंबर पे, और N आता है 14 नंबर पे, और T आता है 20वें नंबर पे, ठीक है? अब इस सब को जोड़ लीजिए, तो जोड़ लेते हैं, 13 और 13 26, 26 और 4 30, 30 और 20 50, ठीक है? 50 हो गया, 50 5 प्लस 5 60, 60 और ये हो गया हमारा 61, और 61 और 14 प्लस 14 28, 61 प्लस 28 अगर आप करेंगे तो 89, ये 89 हमें दिया है, ठीक है? तो आपने देखा कि इस सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में जितने भी ये दिए हैं ना, उसी के नंबर्स को हमने ऐड कर देना है और कुछ नहीं है सवाल में। समझ में आ गया बात? तो अब हमें अगर सेक्रेटरी का निकालना है तो इसके भी जो नंबर, एस का मतलब, एस कौन से नंबर पर आता है? तो एस हमारा आएगा 19th नंबर पर, 19वें नंबर पर एस आएगा। ई 5वें नंबर पर आता है, सी 3रे नंबर पे आता है, आर कितने नंबर पे आता है भाई? आर हमारा 18वें नंबर पे आता है। ई कितने नंबर पे आता है? 5वें नंबर पे आता है। टी 20वें नंबर पे आता है, एक पहले नंबर पे आता है, और आर फिर से 18वें नंबर पे आएगा, और वाई हमेशा 25वें नंबर पे आएगा, ठीक है? तो दोस्तों, इसको क्या करेंगे हम, आइए सबको जोड़ लेते हैं। आप देखेंगे 19 और 5 24, 24 और 3 27, 27 यहाँ पे हमें आ गया, 27 यहाँ पे लिख लेते हैं 27, ताकि आसानी से हमें जोड़ने में फ़ायदा हो, ठीक है? और अब इसको देखिए, 18 दूना 36, ठीक है? और ये देखिए 20 5 25 और 25 और 25 50, और यहाँ पे एक हमारा रह गया है प्लस एक। अब सब, मतलब सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आप ये देखेंगे, 6 1 7 7 7 14 4 कैरी 1, लास्ट में 4 आना चाहिए, तो लास्ट में 4 यही होगा। ऐसे भी जोड़ लेते हैं, एक कैरी हुआ था, 5 1 6, 6 3 9, 10 11, मतलब 114, आपका आंसर कितना आएगा, 114। तो इस तरीके का सवाल आपका था बच्चों, पहला आपका, आई होप कि आप सबने कर लिया होगा, ठीक है? इसी मेथड पे आपको सॉल्व करना है, और देखिए कितना अच्छा सा सवाल पूछा गया था आपके। अब आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा भी क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। क्या है भाई? इसी से रिलेटेड है। कह रहा है कि यदि किसी कोड में एल सी को 6 लिखा जाता है और टी को 10, तो पी और डी को क्या लिखा जाएगा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अगर आप देखेंगे बच्चों, एल सी दिया है, एल सी और टी ई, तो एल और सी और टी ई देखेंगे, अगर आप यहाँ पे एल देखेंगे तो एल कितने नंबर पे आता है? एल आता है आपके 12वें नंबर पे, ठीक है? एल कितने नंबर पे आता है? 12वें नंबर पे।
एक्चुअली इस सवाल में किया क्या है, एल सी इज इक्वल टू 6 कैसे निकला है? एल आता है भाई 12वें नंबर पे और सी आता है कितने नंबर पे, 3रे नंबर पे। इसने किया क्या है, 12 में से इसका दूना 3 × 2 इसका दूना माइनस कर दिया है तो 6 आया है। ठीक है, इसी मेथड से सॉल्व किया गया है। टी देखिए, टी आता है आपके 20वें नंबर पे, ई आता है आपके 5वें नंबर पे, तो इसने किया क्या है, 20 में से 5 का दुगुना माइनस कर दिया है तो 10 आया है। ठीक है, तो पी डी क्या होगा भाई, सवाल यह है कि पी डी क्या होगा। तो पी डी को अगर आप देखेंगे, पी डी कितने, पी कितने पे आता है, 16वें नंबर पे। पी कितने नंबर पे आता है भाई, 16वें नंबर पे। तो इसका सही आंसर की अगर हम बात कर लें तो पी आता है भाई 16वें नंबर पे और डी, डी कितने पे आता है, ए बी सी डी, डी 4थे नंबर पे आता है, तो इसका दुगुना माइनस करना है, 4थे का दुगुना 8 माइनस कर देंगे तो 8 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी कि आंसर नंबर सी इज़ करेक्ट। समझ में आ गया। इस तरीके से सी सेट यानी कि UPPCS में जो सेकंड पेपर हुआ था उस तरीके से सवाल पूछा गया है। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। इसी तरीके से सवाल और भी हैं, आइए हम उनको देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ये बड़ा ही अच्छा सवाल है भाई। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक घड़ी जो रविवार को, याद रखिए संडे को 2 बजे 3 मिनट पीछे है, लेकिन मंगलवार को ट्यूसडे के 2 बजे 5 मिनट आगे हो जाती है। अब ये जो घड़ी है भाई, रविवार को दोपहर 2 बजे और मंगलवार, रविवार का मतलब संडे के बाद मंडे ट्यूसडे, 2 दिन यानी कि 48 घंटा में भाई, 48 घंटे में इतना, जैसे संडे को 3 मिनट पीछे था और मंगल को 5 मिनट आगे हो गया, यानी कि 48 घंटे में इसने 8 मिनट का करेक्शन किया। ठीक है, 48 घंटे में इसने 8 मिनट का करेक्शन किया। ठीक है, तो 1 मिनट का करेक्शन कितने देर में करेगा, 1 मिनट का करेक्शन कितने देर में करेगा, 6 घंटे में, बताइए 1 मिनट का करेक्शन 6 घंटे में करेगा। और 3 मिनट पीछे था, ठीक है, दो रविवार को दोपहर 2 बजे 3 मिनट पीछे था, तो कह रहा है घड़ी ठीक समय कब दिखाएगी, तो 3 मिनट अगर करेक्शन कर लेगा तो सही समय दिखा देगा। तो 1 मिनट के करेक्शन में इसको 6 घंटे लगते हैं, तो 3 मिनट के करेक्शन में इसके कितने घंटे लगेंगे, 18 घंटे, यानी कि दोपहर के 2 बजे के 18 घंटे के बाद जो समय बताएगा वो करेक्ट समय बताएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि रविवार को 2 बजे संडे को 2 बजे में अगर 18 घंटा जोड़ेंगे तो 12 घंटा जोड़ेंगे तो रात के मंडे को 2 बज जाएगा, प्लस 6 यानी कि मंडे को 8 बजे इसका सही समय होगा, मंडे को 8 बजे। ठीक है भाई, हाँ मंडे को 8 बजे, ठीक है मंडे को 8 बजे ये सही समय बताएगा। इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन भी क्या हो गया, सही सॉल्व हो गया। ठीक है भाई, ये भी क्या हो गया, सही सॉल्व हो गया, मंडे को 8 बजे। अब आइए अगला सवाल देख लेते हैं, समझ में आया, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है विकल्पों के अंकों के समुच्चय को चुनिए जिस जो इतने के समरूप हो। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए 636 और 63 के समान कौन सा है, तो इसको अगर आप देखेंगे भाई, ये 6 है, ये 36 है और ये हमारा 63 है। इसमें आपको लगेगा कि ये 6 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर 36 और इनके अंकों को आपस में बदल दिया गया है, यानी कि x स्क्वायर और जो आएगा उसके अंक आपस में बदले हुए चाहिए। तो क्या ऐसा आपके ऑप्शन में दिया गया है, 11 का स्क्वायर तो ये नहीं है, 94 का, यहाँ देखेंगे 8 का स्क्वायर, यहाँ देख लीजिए 8 64 और कितना है भाई, 8 64 के बाद ये 46 है। तो सेम देखिए, इसका स्क्वायर और इसके अंकों को आपस में बदल दिया गया, इसका स्क्वायर और इसके अंकों को आपस में बदल दिया गया, यानी कि आपका आंसर नंबर क्या हो गया, सी सही हो गया। तो आप सॉल्व कर रहे हैं भाई UPPCS का पेपर 2 सॉल्व कर रहे हैं, सी सैट का पेपर सॉल्व कर रहे हैं आप, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब ने इस सवाल को कर लिया होगा बहुत अच्छे से। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल आपके सी सेट में कैसे पूछा गया था भाई, कह रहा है कि ये बड़ा अच्छा सवाल है, कह रहा है कि यदि 2 कुत्ते 7 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार, अच्छा मतलब एक हमारे पास ऐसा सर्किल है, सर्किल का रेडियस कितना है भाई, सर्किल का रेडियस हमारे पास 7 मीटर, सॉरी रेडियस नॉट डायमीटर, व्यास कितना है 7 मीटर है, पथ पर विपरीत दिशाओं में, अच्छा हमारे जो दो डॉग हैं ए और बी वो यहाँ से विपरीत दिशाओं में गति करते हैं, आपस में अधिकतम दूरी में होने में कितना समय लगेगा, एक का स्पीड इतना है, एक का स्पीड इतना है, एक इधर की तरफ दौड़ेगा, एक इधर की तरफ दौड़ेगा, ठीक है, तो आपस में अधिकतम दूरी, अब जब एक सर्किल पे चलेंगे ना तो इसकी अधिकतम दूरी कब होगी, जब ये दोनों ठीक एक दूसरे के डायमीटर यानी कि व्यास पे खड़े होंगे,
किसी भी वृत्त की, ये जो वृत्त है ना, इसकी सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? एक ये भी जीवा है, एक ये भी जीवा है, एक ये भी जीवा है, एक ये भी। तो इसकी सबसे बड़ी जीवा वो होती है जो इसके केंद्र से होके जाए, यानी कि जो इसका व्यास हो। एक किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसके केंद्र से होके जाने वाली रेखा होती है, जो यानी कि वो उसका व्यास जो होता है वो सबसे बड़ी रेखा होती है। तो ये सबसे बड़ी, सबसे अधिकतम दूरी पे कब होंगे? जब ए यहाँ होगा और बी यहाँ होगा, ठीक है। दोनों अलग अलग दिशाओं में दौड़ रहे हैं, एक दौड़ रहा है भाई 2.5 मीटर पर सेकंड से, सॉरी यहाँ पे 2.5 होगा, एक दौड़ रहा है 2.5 मीटर पर सेकंड से और एक दौड़ रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, यानी कि इन दोनों की टोटल जो स्पीड है वो है हमारी 5.5। कितनी है भाई? 5.5। अब 5.5 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो अधिकतम में, यानी कि अधिकतम में यहाँ तक आने में इनको कितना समय लगेगा? तो आइए निकाल लेते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है भाई? ये कुछ नहीं, आपका जो परिधि है, जो आपका सरकमफ्रेंस है, उसी का आधा है। तो हमें पता है कि वृत्त का जो सरकमफ्रेंस होता है वो होता है 2πr, 2πr होता है, ठीक है। और यहाँ पे r, जैसे इसको ये भी लिख सकते हैं पाई डी, मतलब 2r का मतलब आपका व्यास हो जाएगा। तो पाई कितना है? 22/7 और d कितना है आपका? 7 है, ठीक है। ये आपको और ये आपको चलना है, इसका आधा चलना है, बटे दो आपको इसके आधा चलना है, इससे ये कट गया। यानी कि टोटल आपका डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 11/7, डी कितना है? 7, 7 से 7 कट गया, यानी कि टोटल आपका डिस्टेंस 11 मीटर आपको चलना है। कितना चलना है भाई? 11 मीटर चलना है। तो निकाल लेते हैं, फिर कुछ नहीं है सवाल में, 11 मीटर चलना है और हमारा स्पीड कितना है? 5.5 है। तो समय कितना लगेगा? समय निकाल लेते हैं, और हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो हमें टाइम निकालना है, तो समय क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस हमारा 11 है और हमारा स्पीड कितना है? 5.5 है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 110/55, ठीक है। 11 से काट लीजिए, 11 × 10, ये हो जाएगा 11×5=55, 5 से काट लीजिए 2, यानी कि 2 सेकंड आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कोई कुछ नहीं है सवाल में, सवाल बहुत सिंपल था, थोड़ा सा तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्योंकि आप PCS का पेपर दे रहे हैं। सवाल देख लिया आपने, समझ लीजिए ना, बस कुछ नहीं, समझने वाली बात है यहाँ पे, समझ गए हैं तो हम आगे बढ़ जाते हैं। इस सवाल को देखिए, अब ये सवाल ऐसा है बच्चों कि आपको समय नहीं लगेगा, बिल्कुल आप देख के सॉल्व कर ले। कह रहे अंक युग समूह को चुनिए जो ये क्या है, जो भिन्न हो, जो अलग हो। अब सब में एक चीज़ कॉमन होगा, क्या कॉमन होगा आइए देखते हैं। पहले इसको देखिए, 8 और 25, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि 8 3 = 24 है? क्या आपको ऐसा लग रहा है 8 और 25 में 8 3 = 24+1? अब यहाँ देखिए, 22, 22 और 67 में 22 का 3 टाइम, मतलब 22 × 66+1, यहाँ देखिए 15 × 45+1, यहाँ देखिए 18 × 54+ फलाना ढिमकाना। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? अब ये जो सारे हैं भाई हमारे, जो ये सब हैं, इनमें क्या हुआ है? इनमें उनके 3 से गुणा कराकर एक जोड़ा गया है, जबकि ये वाले जो भैया हैं हमारे, विकल्प नंबर 1 जो था वो हमारा क्या था? वो हमारा भिन्न था। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा, बहुत अच्छा। चलिए अगला सवाल देखिए, ये जो क्वेश्चन है बच्चों, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब आप SDM बनेंगे तो दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। कह रहे हैं a + b = this much, तो फाइंड आउट कीजिए a² + b² की वैल्यू। अब इसको सवाल को मैंने कैसे सॉल्व किया ये ज़रा ध्यान देखिए, आपको निकालना क्या है भाई? a² + b², ठीक है, a² + b² निकालना है। अब देखिए, मैं 100% कहता हूँ ए और बी स्क्वायर में ए की वैल्यू कभी भी 3 नहीं हो सकती, क्योंकि अधिकतम विकल्प तो 8 ही दिया है, तो 3 का स्क्वायर ही खुद 9 हो गया। मतलब आपका सवाल में हो या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, ए और बी की वैल्यू, ठीक है, यही हो सकता है। तो क्योंकि अधिकतम 8 है, अगर 3 भी हो जाता है भाई तो 3 की वैल्यू खुद 9 हो गई। समझ में आ गई बात? अब आइए, अब इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब अगर आप इसमें 1 रख देते हैं, 1 की जगह पे 1, तो क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है? 1, ए की जगह अगर आप ए 1 रख दें और बी की जगह भी अगर आप 1 रख दें, तो क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? 1 + 1 = 1/1 + 1/1,
जी हाँ बिल्कुल कर रहा है, मतलब a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू भी 1 है, तो a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो होगी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब कितना होगा भाई 2 होगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई भी परेशानी नहीं, आपके इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, आपके इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर ए और आंसर नंबर 2। चलिए समझ में आ गया, बहुत अच्छा। अगला सवाल है, ये तो बस ये तो मतलब कुछ नहीं है, ये तो भैया बाबू वाला, देखो कह रहे ए और बी क्रमशः भाई बहन है, ये हमारा ए है और ये हमारी बी है, ये ए है और ये है बहना है तो बी है। कह रहा है कि सी ए का पिता है, अच्छा मतलब ये जो सी है ना वो ए के क्या हैं, ए के फादर हैं, सी ए का पिता है, अच्छा तो इसके पिता हैं तो इसके भी पिता हो गए क्योंकि दोनों भाई बहन हैं। और कह रहा है डी सी की बहन है, अच्छा सी की बहन है डी, ये जो सी है ना वो डी की क्या है, बहना है, तो जब ये पिताजी हैं तो पिताजी की बहना बुआ हो गई, सी क्या हो गई, बुआ हो गई, ठीक है। और ई जो है डी की माता है, ई जो है ना वो डी की माता है यानी कि बुआ जी की माता है ई, तो बी और ई में क्या संबंध है, बी और ई में क्या संबंध है, ये जो ई है ना ई, ई है वो बी के बुआ जी की माता है, बुआ जी की माता कौन होती है, दादी होती है, तो बी हो जाएगी पोती और ई हो जाएगी दादी, बी ई से किस प्रकार संबंधित है, तो बी क्या है भाई पोती है, बी क्या है पोती है, समझ में आ गई बात। चलिए समझ में आ गई, बहुत अच्छा। अब आ जाते हैं अगला सवाल, समझ में आ रहा है, इसमें कुछ नहीं था सवाल में, अगर आप फिर से अगर करना चाहें ना एक बार मिला लीजिएगा, ठीक है। आप अपने आप को रखिए, अपने सिस्टर को रखिए, आप ऐसे करके आप देखेंगे तो ये जो होगी पोती होगी और ई क्या होगी, दादी होगी। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सॉरी अब आ जाइए। अब ये सवाल बड़ा अच्छा कह रहा था, कह रहा था कि एक 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है और एक बिल्ली उसी दिशा में रेलगाड़ी के समानांतर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही है, तो रेलगाड़ी बिल्ली को पार करने में कितना समय लेगी। अब ये जो रेलगाड़ी है वो भी इधर जा रही है और बिल्ली भी इधर जा रही है, जब दोनों एक, अगर बिल्ली रुकी हुई होती तो बिल्ली की स्पीड का मतलब नहीं रहता, अगर बिल्ली अपोजिट की तरफ जाती तो रेलगाड़ी जल्दी क्रॉस कर लेती, लेकिन इसी की दिशा में बिल्ली भी भाग रही है तो भागेगी थोड़ा समय अधिक लगेगा, समय थोड़ा अधिक लगेगा ना, यानी कि उसकी स्पीड में से, ट्रेन की स्पीड में से बिल्ली की स्पीड को घटाना पड़ेगा। तो ट्रेन की स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर, बिल्ली की स्पीड कितनी है 18 किलोमीटर, इसको घटा दीजिए ये हो जाएगा 42 किलोमीटर, एम आई राइट। अब आपकी जो कॉमन स्पीड हो गई वो हो गई 42 किलोमीटर पर आवर, लेकिन आपको क्या कह रहा है, आपको यहाँ पे ट्रेन की लंबाई मीटर में दी गई है, तो 42 किलोमीटर्स को अगर दोस्तों 42 किलोमीटर में 1000 मीटर और घंटा मतलब 60 मिनट, ये सेकंड में आ गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, अब यहाँ पे 6 7 जा 42 और यहाँ पे 2 से 3 और ये हो गया 5, यानी कि आपकी जो स्पीड होगी वो होगी 35/3 मीटर पर सेकेंड, समझ में आ गया भाई, मीटर पर सेकेंड समझ में आ गया। अब आइए, अब हम निकाल लेते हैं क्या, अब हमें समय निकालना है, तो आइए हम समय निकाल लेते हैं। तो समय बराबर क्या होता है, हम समझते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी कि समय जो होगा उसमें हमें डिस्टेंस कितना है 140 और हमारा कॉमन स्पीड कितना निकल के आया 35/3, हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा, अगर आप 7 से करते हैं तो 7 5 35 और 7 2 14, ठीक है, और अगर फिर 5 से करते हैं, ठीक है, 5 4 20 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 12 सेकेंड इसकी वैल्यू आएगी। बताइए कोई समस्या कोई दिक्कत, आपकी 12 सेकेंड की वैल्यू यहाँ पे ये निकल कर आ गई, ओके ठीक है भाई। चलिए इस तरीके से ये वाला सवाल भी हो गया, अब आइए अगला सवाल देखते हैं, ये क्या कह रहा है, ये तो फिर वही आ गया ना घूम फिरा के चाचा बोला, कह रहा कि श्याम राम का मित्र है, अच्छा जो श्याम हैं वो राम के मित्र हैं, मनीष की ओर इशारा करते हुए श्याम ने राम से पूछा कि वो कौन है, तो राम ने कहा, ये मान लीजिए ये हमारे राम हैं, राम ने कहा, क्या कहा, उसका बेटा मेरे बेटे का चाचा है, अच्छा जो इसका बेटा है ना वो इसके बेटे का चाचा है, तो अब इसके बेटे का चाचा है, मेरे बेटे का चाचा मेरा कौन होगा, इसके बेटे का चाचा है अगर ये है तो इसका कौन होगा भाई, मेरे बेटे का चाचा मेरा भाई होगा, यानी कि इसका बेटा इसका भाई है
तो ये क्या है, इसके भाई का पापा है तो इसके भी पापा होंगे ना, तो इसके क्या पिता का संबंध होगा? समझ में आया सवाल? नहीं आया, मुझे लगता है चलो एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है इस सवाल में, कह रहा है कि इसका जो बेटा है ना वो मेरे बेटे का चाचा है, तो मेरे बेटे का चाचा मतलब मेरा भाई हो गया, तो ये इसका भाई, ये दोनों आपस में भाई हो गए, तो ये जब आपस में भाई हैं और ये पिता है तो ये इसका भी पिता होगा, यानी कि सवाल पिता का हो जाएगा। ये तो आपका सवाल पूछा था बच्चों, सोचिए आपका सवाल आया था किसमें, UPPCS के सी सेट में पूछा था गया था, आपके पेपर 2 में ये सवाल पूछा गया था। अगर आपने दिया होगा तो ये सवाल आपने जरूर आसानी से कर लिया होगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बड़ा ही अच्छा सवाल था, कह रहा है कि निम्न में से किस वर्ष का कैलेंडर 2009 की तरह होगा। अच्छा, कैलेंडर के सवाल में ना एक वो होता है, जैसे जो भी आप वर्ष निकालेंगे, मान लीजिए आप 2009 का निकाल रहे हैं, तो 2009 को आप 4 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, 2009 को आप 4 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये देखिए 4 5 20 0 और यहाँ पे 4 2 8, एक रिमाइंडर बचा। रिमाइंडर जब रिमाइंडर एक बचता है ना, तो उस साल में 6 जोड़ दीजिए, उसके छठे साल में दोनों का कैलेंडर सेम होगा, तो 2009 में अगर आप 6 जोड़ेंगे यानी कि 2015 का कैलेंडर सेम होगा। समझ में आ रही बात? जब भी 4 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर 1 होगा तो 6 जोड़ेंगे, जब रिमाइंडर 2 होगा तो 11 जोड़ेंगे, जब रिमाइंडर 3 होगा तब भी 11 जोड़ेंगे। समझ में आ गई बात? ये एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है कैलेंडर के सवाल करने का। तो ये क्या होगा, 2009 का किससे होगा, 2015 से होगा। समझ में आ गई बात? चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि 31 मार्च 2018 तो ये वाला आप करके बताएंगे, क्योंकि ये अच्छा सवाल है, कई बार आपने किया होगा। 31 मार्च ये आप करके बताइए, 31 मार्च 2008, फिर हम इसको लास्ट में आंसर बताएंगे। 31 मार्च 2008 को जो था सोमवार था, का दिन कौन सा था, सोमवार को, सोमवार है, तो 31 मार्च 2011 को क्या होगा, ये अच्छा सवाल है, ये अगर बीएड के बच्चों ने कई बार इसको पढ़ा होगा। हम यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा, ये भी ना आपके साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ सवाल है। अब इसका देखिए, इसका आंसर चूंकि कहीं अभी रिलीज नहीं किया गया, लेकिन मैंने इसका आंसर क्या मानता हूँ, मैं इसका आंसर क्या लगाता हूँ, देखिए कह रहा है, आंतरिक तनाव जब ऐसी स्थिति के कारण उत्पन्न हो जो मन की आंतरिक मूल्यों के विरुद्ध सूचना प्राप्त होने से होता है, तो उसे किस प्रकार से जाना जाता है, संज्ञानात्मक विसंगति, राजनीतिक विसंगति, पर्यावरणीय विसंगति या सामाजिक विसंगति। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है आपकी आंतरिक, आपके इंटरनल प्रॉब्लम की, तो ना मन में थोड़ा सा चिंता, मनचल हो रहा है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति आ रही है, आंतरिक तनाव हो रहा है, टेंशन हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपके संज्ञान पे जोर डालती हैं। तो मुझे लगता है कि इसका सही जवाब हो जाएगा संज्ञानात्मक विसंगति, क्योंकि यहाँ पे कोई राजनीतिक विसंगति या समाज के बारे में कही नहीं, पर्यावरण की अशुद्धियों के बारे में नहीं बात किया जा रहा है, आपके आंतरिक की बात की जा रही है, आपके मन की बात की जा रही है, आपके तनाव की बात की जा रही है। तो मुझे लगता है कि इसका सवाल क्या हो जाएगा, संज्ञानात्मक हो जाएगा, क्योंकि हमने बड़ा पढ़ा है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आपकी सोच समझ संज्ञान बुद्धि पे डिपेंड करता है, तो इसीलिए मुझे लगता है संज्ञानात्मक। बाकी सही जवाब क्या आपको लगता है इसका, प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल आ जाते हैं इस वाले सवाल पे, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, भाई आप क्या सॉल्व कर रहे हैं, आप सॉल्व कर रहे हैं UPPCS 2023 प्रीलिम्स के पेपर 2 को सॉल्व कर ले हैं, UPPCS की। अब यहाँ पे कह रहा है कि अनुज उत्तर पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है, उत्तर पूर्व का मतलब इधर की तरफ मुख करके खड़ा है, वह 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमे, तो घड़ी किधर चलती है, नीचे, तो यहाँ से 90 क्या होगा, देखिए ये तो पूरा 180 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन 90 क्या होगा, ये 90 हो जाएगा, तो यहाँ घूम गया, फिर वामवर्त दिशा में एंटी क्लॉकवाइज 180, देखिए ये जो आपकी लाइन है ना, 180 चाहे कैसे भी घूमे, इधर से घूमे या इधर से घूमे, इधर ही आएगी, क्योंकि ये पूरा 180 होता है, तो मतलब बिल्कुल विपरीत इधर आ जाती है। तो कह रहा है कि अब वो किस दिशा की ओर खड़ा है, किस दिशा के पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर खड़ा है, उत्तर पश्चिम की ओर खड़ा है, ये तो आपका सवाल पूछा गया था। बहुत अच्छा बच्चों, आप भी इस सवाल को आसानी से कर रहे होंगे, मैं आशा करता हूँ कि कर लिए होंगे, अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो, अगर एग्ज़ाम नहीं दिया है तो प्लीज़ यार एक साल मेहनत कर लीजिए, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, निकले या ना निकले वो अलग बात है, लेकिन अगर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है ना, तो कोशिश करते हैं, आई होप क्लियर, सी क्या होता है अगली बार। हम अभी मान लीजिए हमने सी सेट की तैयारी करी, हमसे सी सेट निकल जाएगा, हो सकता है कभी प्रीलिम्स निकल जाए, फिर हम मेंस की तरफ आएंगे, हो सकता है मेहनत करने के बाद मेंस निकल जाए, हम इंटरव्यू की तरफ आएंगे, तो अगर आप सीख जाएंगे ना तो आप अपने ज्ञान को अपने आने वाले बच्चों तक भी दे सकते हैं, आप उनको ट्रेन करा सकते हैं। अब मुझे लगता है कि आपको अपने बच्चों को या अपने घर के बच्चों को
सी सेट के प्रिपरेशन के लिए टेंशन नहीं है, आप उतना खुद करा सकते हैं, आप इस योग्य हो गए हैं। तो आप एक बार जब प्रीलिम्स के योग्य हो जाएंगे अपने बच्चों को प्रीलिम्स के लिए तैयार कर लेंगे, जब आप एक मेंस के योग्य हो जाएं तो अपने बच्चों को मेंस के लिए तैयार कर लेंगे। इसलिए अपने आप को तैयार करिए, आप अगर नहीं सफल हुए तो आपके ज्ञान से कोई और सफल जरूर हो जाएगा। तो देखिए इसीलिए कहते हैं ना, ज्ञान को आप हमेशा हासिल करिए, क्योंकि अगर आप जीतेंगे तो आप विनर होंगे, ठीक है। अगर आप जीतते हैं तो आप एक विनर होंगे, और अगर आप हारते हैं तो आप एक लीडर होंगे, आप गाइड करेंगे किसी को, आप लूज़र कभी नहीं होंगे। शिक्षा के मामले में यही है बच्चों, आप सीखते रहिए, आप पढ़ते रहिए, आप लड़ते रहिए। अगर आप जीतेंगे तो जीतेंगे, हारेंगे तो सीखेंगे, हार कभी नहीं होती। चलिए बहुत हो गई बातें, अगला सवाल देखते हैं। 78 कहा जाता है, फॉर एन अ पॉसिबल सोल्यूशन आफ्टर वन After another is tried until success। मतलब ये तो अगर आप बीएड के विद्यार्थी हैं तो आपने आपको याद होगा कि एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने एक पिंजरे में एक बिल्ली को बंद कर दिया था, और वो बिल्ली क्या करती थी, बार बार गलत प्रयास करती थी, और लास्ट में वो सीख गई कि उस पिंजरे को कैसे खोलना है, और उसके बाहर मछली रखी हुई थी। तो ये क्या था, वो सफल, वो प्रयास करती रही जब तक उसको जो उसके पॉसिबल सॉल्यूशन था, जब उसके डिजायर सॉल्यूशन था वो नहीं मिल गया, तो ये क्या करती रही, गलती की, फिर प्रयास की, फिर गलती की, फिर प्रयास की। वास्तव में इसको हम प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं। किसने दिया था, एल थॉर्नडाइक ने दिया था। अगर आप बीएड के विद्यार्थी होंगे तो आपको बखूबी पता होगा कि थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ मैं कह दूँ, ये अभी ये जो मैं आंसर बता रहा हूँ ना, ये मुझे लगता है अभी मतलब आधिकारिक घोषणा तो नहीं है, लेकिन संभवतः यही होगा, मेरी जहाँ तक सोचा समझा, मैंने भी यही करके आया। अगला सवाल देख लेते हैं, अगला सवाल क्या है। अच्छा अगला सवाल तो देखिए, कह रहा है कि निम्न कथनों को कह रहा है कि सभी बालक सत्यवादी हैं। अच्छा चलिए मान लेते हैं सभी बालक सत्यवादी, कमल एक बालक है, कमल एक बालक है मतलब सभी बालक सत्यवादी, तो कमल भी सत्यवादी होगा। तो निष्कर्ष में कह रहा है कमल सत्यवादी, ये सही बात है कि कमल सत्यवादी है। सभी सत्यवादी बालक होते हैं ऐसा हमें प्रमाण नहीं दिया गया, ठीक है, ऐसा प्रमाण यहाँ पे नहीं दिया गया, यानी केवल पहला वाला सत्य है, केवल एक सत्य है, ठीक है। ये आपका सवाल पूछा गया था। ये देखिए, ये भी देखिए आपके बीएड से रिलेटेड, आपने पढ़ा होगा ना इंडक्टिव डिडक्टिव, इंडक्टिव डिडक्टिव पढ़ा है, आगमन विधि और निगमन विधि। आगमन विधि में क्या होता है भाई, आगमन विधि में क्या होता है, आगमन विधि में क्या होता है, हम पहले विशिष्ट से मतलब क्या करते हैं, स्पेसिफिक से फिर जनरल की तरफ जाते हैं, विशिष्ट से सामान्य की तरफ जाते हैं, किसमें, आगमन विधि में, यानी कि इंडक्टिव मेथड में, ठीक है। जनरल से देखिए, ये देखिए इंडक्टिव में स्पेसिफिक से जनरल की तरफ, विशिष्ट से सामान्य की तरफ, कठिन से आसान की तरफ। डिडक्टिव में क्या होता है, जनरल से सामान्य से विशिष्ट की तरफ। तो ये हमारा बीएड का संबंधित एक सवाल था। चलिए अगला आ जाते हैं, ये देखिए ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को सर्वाधिक अर्थपूर्ण के रूप में व्यवस्थित करिए। अब ये ना थोड़ा सा इस पर आपके विचार करने होंगे, मुझे शायद, मैं आपको बता रहा हूँ मुझे क्या लगता है, आपसे भी मुझे जानना है कि आप क्या समझते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को सर्वाधिक अर्थपूर्ण रूप से व्यवस्थित करिए। अब अर्थ रूप मतलब आप कुछ भी अर्थ सोच सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं सोचता हूँ आपकी, जैसे रेल दी गई है, कार दिया गया, साइकिल दिया है, बस गया, तो मैं एक चीज़ सोच लेता हूँ कि यार चलो लंबाई के आधार पर कर लेते हैं, सबसे कम लंबा क्या, जैसे साइकिल जो होता है, साइकिल 3 नंबर, ये छोटा होता है, उससे लंबा क्या होगा, उससे लंबा कार हो गया 2 नंबर का, उससे लंबा क्या हो गया, उससे लंबा बस हो गया, उससे लंबाई में अधिक है वो है ट्रेन है, रेलवे है। तो मैंने ये तर्क लगा लिया। अब आप सोचते हैं कि चलो यार हम ये देखते हैं कि लोग किस पे चलते, किस लोगों ने यात्रा कैसे प्रारंभ करी। तो उन्होंने सबसे पहले साइकिल से यात्रा प्रारंभ करी, फिर धीरे धीरे कार आया, फिर धीरे धीरे बस आया, फिर उसके बाद ट्रेन आया। तो यही संभवतः होता है। आप ये भी सोच सकते हैं, हम गति के हिसाब से देख लेते हैं कि सबसे धीरे कौन चलता है, सबसे धीरे साइकिल चलता है, साइकिल से तेज क्या चलता है, साइकिल से तेज क्या चलता है, बस चलती है या कार चलती है। तो मुझे लगता है कि साइकिल बस और कार में कार ज़्यादा तेज चलती है। मतलब ये तर्क है, आप किस तर्क से जा रहे हैं। तो मैं इसी तर्क पे गया कि कौन लंबाई के हिसाब से, तो मैं 3-2-4-1 ये विकल्प पे आता हूँ। अगर हम स्पीड की बात कर ले तो सबसे कम स्पीड होती है साइकिल की, उसके बाद बस की स्पीड होती है ना, बस से ज़्यादा ही कार चलता है, फिर कार आपका 2, फिर उसके बाद ट्रेन सबसे तेज चलती है, ट्रेन सबसे तेज चलती है, कार सबसे तेज। तो यहाँ थोड़ा सा मतलब, क्योंकि बहुत ऐसी कारें हैं जो ट्रेन से तेज चलती हैं, संभवतः हम ट्रेन को तेज मानते हैं क्योंकि लंबी गाड़ी होती। तो मैं इसीलिए ये लंबाई पे गया था और हमें तो ये वाले पे गया था। बाकी आपको क्या लगता है, क्या मेरा तर्क सही है या फिर आप कुछ और अलग तर्क देखते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
चलिए अब खत्म करेंगे इस वीडियो को, थोड़ा और प्रश्न देख लेते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको मजा आ रहा होगा। भाई हम पीसीएस का सॉल्व कर रहे हैं, मतलब सोचो ना कितना अच्छा लग रहा है ना कि हम इस चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा ये वाला सवाल बड़ा ही अच्छा था, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, करने वाला है लेकिन कर लेंगे ना। क्या ये कह रहा है कि दो बेलन ए और बी हैं, अच्छा दो हमारे पास सिलेंडर हैं ए और बी, उनके अर्धव्यासों का अनुपात, अच्छा अर्धव्यास देखियो व्यास का आधा, किसी सर्कल के व्यास का आधा क्या होता है, उसकी त्रिज्या होती है, उसका रेडियस होता है, यानी कि अर्ध व्यास यानी कि रेडियस का दिया है आपका R1 और R2 में, जो R1 और R2 में जो संबंध है वो कितने के तीन संबंध है, दो है। चलिए उनके ऊंचाइयों का n, ऊंचाई मतलब H1 और H2 कितना है भाई, n:1, यानी कि H1 n हो जाएगा और H2 हो जाएगा। अनुपात यदि कह रहा है कि अनुपात यदि A का अनुपात B के अनुपात का तीन गुना है, अच्छा A का अनुपात B के अनुपात के तीन गुना है, अच्छा आइए ज़रा इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे A का अनुपात B के अनुपात के तीन गुना कह रहा है। चलिए तो A का अनुपात जैसे A है वो A का अनुपात, जैसे A का अनुपात हम मान लेते हैं भाई, A का अनुपात हम मान लेते हैं V1, वो B के अनुपात के तीन गुना है V2 के, VA कर लीजिए या VB कर लीजिए, V2 के तीन गुना है। तो V1 का मतलब अनुपात, बेलन के अनुपात का सूत्र फॉर्मूला क्या था, पाई R1 स्क्वायर H1 = 3 पाई R2 स्क्वायर H2, ठीक है। तो पाई से तो पाई यहीं कैंसिल हो गया, R1 यहाँ पे कितना संबंध था, यहाँ 3:2 था, 3 का स्क्वायर, H1 कितना था N1 केवल था, और 3 R2 यहाँ पे कितना था, R2 यहाँ पे 1 था ना, 3:1 देख लेते हैं, 3:2 यहीं गलती हो जाती भाई, 3:2 थी, यहाँ पे कितना होगा 2, तो 3:2 का स्क्वायर, और यहाँ पे H कितना है, H यहाँ पे n:1 था। चलिए तो 3 का स्क्वायर 9n = ये हो जाएगा 4, और ये 4 × 3 = 12, तो n = क्या हो जाएगा, यहाँ से कट करेंगे तो n 4/3 विकल्प में है कहीं, 4/3, जी हाँ बिल्कुल है आपका 4/3 यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से आप करिए, बहुत अच्छा सा, बहुत मज़ा आएगा आपको सवाल करके। कुछ और सवाल बचे हैं उसको देख लेते हैं रीजनिंग के, उसके बाद इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे, ठीक है। अगर पसंद आ रही हो तो लाइक करते चलिएगा वीडियो को और थोड़ा सा सपोर्ट करते चलिए। अब कह रहा है कि अनुक्रमांक में लुप्त अक्षर क्या हैं, सोचिए पीसीएस में आपसे सवाल पूछा है लुप्त अक्षर क्या है, तो ज़रा इधर से देखिए, ई के बाद देखिए, पहले इधर देखिए, के बाद MNOP ABCDEFGHIJ, जे के बाद के के बाद LM, मतलब L और M गायब हैं, उसके बाद N है, दो को गायब करके N दे दिया, N के बाद MNOP, फिर दो गायब करके Q दे दिया, तो E के बाद भी हम दो गायब कर लेते ना, E के बाद ABCDEFG को गायब करके H दे देते हैं, H हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। अब आइए ये वाला सवाल थोड़ा सा अच्छा है, कई लोग कई तरीके से लगा रहे हैं जबकि है बड़ा आसान। अब इसमें कह रहा है कि 3, 2, 3, 4, 6, 6, 9, 8, 12, 10, 12, 12, इसमें कह रहा है कि विलुप्त संख्या ज्ञात करिए। तो मुझे एक चीज़ यहाँ पे लगा, जैसे ये दो है, देखिए दो में आप दो जोड़ दीजिए, 2 + 2 = 4 + 2 = 6 + 2 = 8 + 2 = 10 + 2 = 12, 12 तो ऑलरेडी यहाँ पे दिया है, ठीक है, 12, 10 + 2 = 12। अब यहाँ देखिए तीन जोड़ रहा है, 3 + 3 = 6 + 3 = 9, 9 + 3 = 12, 12 + 3 = 15, कोई दिक्कत ना भाई, ले भाई पीसीएस का आपका सवाल एक नंबर का हो गया, काम खत्म, आगे बढ़ते हैं, पैसा हजम। चलिए अगला सवाल देखिए, ये कह रहा है कि लुप्त पद का सही विकल्प, अब बस दो सवाल और बचे होंगे शायद, उसके बाद इस वीडियो को समाप्त कर लेंगे, ये वाला, ठीक है। तो चलिए कह रहा है कि लुप्त पद के लिए सही विकल्प ज्ञात करिए, सही विकल्प ज्ञात करने के लिए कह रहा है, लुप्त पद के लिए आप कह रहे हैं सही विकल्प ज्ञात करिए। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ABC = कितना दिया है, 6 दिया है, तो आपको पता है भाई A का मतलब 1, B का मतलब 2 और C का मतलब 3 है, ओके सही बात है। अब इसमें रिलेशन क्या लगा है, मुझे लगता है रिलेशन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 × 2 = 6, 6 × 1 = 6, 6 हो जाएगा, सबको आपस में जोड़ भी देंगे तब भी 6 होगा, या तो जोड़ दीजिए आपस में या तो आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है ई एफ और जी, ई का मतलब 5, 6, 7, ये तो ना ABCD, ई 5, 6, 7, तो अब ये क्या कर रहा है, अगर आप जोड़ेंगे तो 210 तो नहीं आएगा, 210 कैसे आएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे, 5, 6, 30, 7, 3, 21, यानी कि आपस में क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है, तो
तो आइए आई जे के यानी कि हमारा जो सवाल है भाई आई जे के का आई जे और के, तो आई जे के मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई मतलब 9 और जे का मतलब 10 और के का मतलब 11, आपस में मल्टीप्लाई करा लीजिए, 9 दहा में 90 और 11 99 0 मतलब 99 9 ये है कहीं, ये है तो भाई, ये तो रहा भाई, एक बार और देख लेते, 11 × 99 × 10 990 ठीक है। तो भाई हम हिंदी मीडियम वाले हम क्या करें, हम 1 2 3 5 10 के बाद 11 पे आ जाते हैं, 11 12 में थोड़ी सी दिक्कत, और दिक्कत क्या मतलब हमारी आदत ऐसे रटी है, जैसे हिंदी मीडियम वालों को मोबाइल नंबर बताओ ना 8596 तो वो ऐसे बोलो 9855 तो ऐसे बोलो 55 56 97 98 तो ये मज़ा आ जाता है, मतलब हम लोग हिंदी मीडियम में ऐसे याद कर लेते हैं, और इंग्लिश मीडियम वालों को कहे तो 58 98 68 88 78 में अंतर बताओ तो कहेंगे क्या बोल रहे हैं भाई, अगर इंग्लिश मीडियम वालों को कहे तो 58 बिना लिखे हुए 58 98 68 88 78 तो वो कहेंगे भैया रह दो ये तो दिक्कत है। खैर कोई बात नहीं, हम हिंदी मीडियम वाले तो हमें 90 99 68 88 18 18 ये सब समझ में आता है। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहे हैं, दिए गए विकल्पों में विषम चुनिए। अच्छा विषम है क्या, कुछ विषम है भी नहीं है, होगा जब यूपीएससी में पूछ रहा है तो विषम तो होगा ही, क्या विषम है भैया, कह रहा है कि ये देखिए ए बी सी मतलब एक गैप करके सी दे दिया है, अच्छा एक्स वाई जेड एक गैप करके जेड दे दिया है, एस टी या देखिए ए बी सी डी एफ जी एच एक गैप करके एच आर एस एक गैप करके टी जे के बाद जे ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एक जे ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के जे और के तो लगातार है भैया जे के तो लगातार हो गया जबकि ये गैप कर रहा था एम एन ओ पी की ये तो सही ए बी सी डी एफ आर एस टी टी यू भी एक गैप करके बी सी डी ये भी गैप करके ये सब देखिए एक गैप करके जबकि जे और के लगातार दे दिया तो यही क्या हो जाएगा विषम हो जाएगा, जे और के क्या हो जाएगा विषम हो जाएगा। समझ में आ रही है ना भाई, समझ में आ तो रही है ना, आ रही होगी भाई, बहुत मेहनत करके बना रहा हूँ मैं पसीने में तो अच्छा ये 2-3 सवाल और हैं फिर उसको ख़त्म कर लेंगे वीडियो को। ये मैथ का एक सवाल पूछा गया था, कह रहे यदि 2 बहुपदों के एलसीएम और एचसीएफ ऐसे दिए गए हैं तो उनमें से एक बहुपद ज्ञात करिए। अब देखिए भैया हम ये कह रहे हैं कि जब एक एचसीएफ एक्स प्लस वन है तो इनको जब आप गुणनखंड करेंगे तो उसमें एक्स प्लस वन आना ही चाहिए, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का अगर आप गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2, अगर इसको आप यहाँ से x कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 2 और यहाँ से 1 कॉमन लेंगे प्लस 1 तो बचेगा x प्लस 2 यानी कि आपका गुणनखंड हो जाएगा x प्लस 2 और ये हो जाएगा x प्लस 1, तो यहाँ पे x प्लस 1 कॉमन यहाँ पे मिल गया तो आपका पहला ही उत्तर क्या होगा सही होगा, बाकी इन दोनों में देखेंगे तो x प्लस 1 नहीं आएगा ठीक है। तो इस तरीके से आप इस सवाल को लगा लेंगे ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, बहुत अच्छा बच्चे मज़ा आ जाएगा। अच्छा ये वाला तो बड़ा आसान सवाल है, फिर उसके बाद वीडियो को समाप्त करेंगे, आशा करते हैं आपको मज़ा आया होगा। कह रहा है कि 6 तथा 16 में वही संबंध, 6 और 16 में जो संबंध है वही संबंध 12 और किस में होगा, तो 6 और 16 में क्या संबंध है, मुझे एक संबंध यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि 6 जो है वो 6 3 18 - 2 है = 16, 3 का गुणा करके 2 घटा दिया गया है, तो अगर हम 12 में 3 का गुणा करा दें 36 में से अगर हम 2 घटा दें तो हमें 34 आएगा, क्या विकल्प में दिया है, विकल्प में ये भी दिया है 34। अच्छा अगर आप कहते हैं कि आपको कैसे पता कि 3 से ही मल्टीप्लाई कराएगा, ये भी तो हो सकता है भैया कि 6 में 2 से गुणा करा के 12 में 4 जोड़ दिया हो, ये भी तो हो सकता है कि 4 जोड़ दिया हो, तो ठीक है आइए देख लेते हैं, 2 से गुणा करा देते हैं 12 × 2 = 24 में अगर आप 4 जोड़ेंगे 28 कहीं है ही नहीं, अगर यहाँ पे 28 होता तो फिर लफड़ा होता, 28 कहीं है ही नहीं, तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि 6 में आप 3 से मल्टीप्लाई करा के 2 घटा लीजिए, वैसे ही 12 में 3 से मल्टीप्लाई करा के 2 घटा लीजिए। अगर आपको कुछ अलग तर्क दिखता है तो आप हमें बताइए, उस पर भी विचार किया जाएगा ठीक है। चलिए तो अब क्या और भी बचा है, बस थैंक यू आने वाला है, थैंक यू से पहले एक और चीज़ देख लेते हैं, और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई, कह रहा है कि दिए गए विकल्प से संबंधित संख्याओं का चयन करिए, दिए गए चयन क्या कह रहा है, 4 और 17 है, 4 और 17 है तो 7 क्या होगा, 7 के बाद तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि 4 का स्क्वायर 16 होता है और उसके स्क्वायर में 1 जोड़ दिया गया है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो क्या अगर हम 7 के स्क्वायर कर लें तो 49 होगा और अगर इसमें हम 1 जोड़ लें तो 50 होगा, क्या 50 कहीं दिया है, क्या दिया तो है, तो यही तो मुझे लग रहा है तर्क,
बताइए, यही तो लग रहा है आपको, क्या कुछ और लग रहा है? नहीं, अगर लग रहा हो तो बताइए, ऐसी बात नहीं है, शर्माइएगा मत। आप कमेंट में बता सकते हैं कि सर ऐसा है कि हो सकता है कि ये फोर का फोर हो सकता है, फोर का फोर से मल्टीप्लाई करा के एक जोड़ दिया हो। तो हम सात को अगर हम फोर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 28 में अगर हम वन जोड़ते हैं तो है ही नहीं ना 29। कुछ और तर्क लगा लीजिए। तो मुझे तो यही तर्क लगता है कि स्क्वायर करके एक जोड़ दिया गया है, क्योंकि वही ऑप्शन में भी दे रहा है। तो सात का एक स्क्वायर कर लेते हैं 49, और 49 में एक जोड़ दिया गया है 50। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आज लगभग 28 से 30 सवाल हमने आज डिस्कस किया इस वीडियो में, और मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, कम से कम एक अनुभव हुआ होगा कि इस तरीके से सीसैट के सवाल पूछे गए। देखिए, मैं जैसे आप जैसे मेरे चैनल से जुड़े हैं और मैं जितने लोगों को जानता हूँ, अगर आप इस एग्ज़ाम में बैठे होते हैं तो मैं गारंटी ले लेता हूँ, क्योंकि अभी हिंदी के सवाल देखेंगे आप, इंग्लिश के सवाल देखेंगे और जो जनरल रीजनिंग के सवाल देखेंगे, तो मुझे लगता है कि आप आसानी से सीसैट, एटलीस्ट सीसैट जो था ना यूपी PCS का, आप उसको निकाल लेते। मैं गारंटी कह रहा हूँ, जिन बच्चों ने नहीं दिया वो भी निकाल लेते, जिन्होंने दिया है वो तो निकालेंगे। लेकिन जो CSET के बाद जो दूसरा पेपर हुआ था UPPCS का, वो बहुत ही टफ था, उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों अभी पिछले मतलब कल हुआ था पेपर, 14 मई 2023 को एक पेपर हुआ था। अगर हम आज से शुरुआत कर दें अपनी तैयारी तो एक साल में बहुत अच्छा कर लेंगे। और आपको करना क्या है, आपको करंट अफेयर्स पे ध्यान देना है, थोड़ा सा जनरल साइंस पे ध्यान देना है, और आपको जो भी जो घटना चक्र या इंपॉर्टेंस प्रीवियस क्वेश्चंस आसानी से कर लेंगे बच्चों। तो आइए मैं भी शुरू करता हूँ और आप भी शुरू करिए, आइए ज़रा एक साल तैयारी कर लेते हैं, निकले या ना निकले अलग बात है, लेकिन एक बार कोशिश तो कर लेते हैं। तो बच्चों ये था टोटल आपका, क्या था ये था आपका टोटल, आपका ये था टोटल भाई CSET का, CSET यानी कि UPPCS का पेपर टू था, प्रीलिम्स का पेपर टू आपने सॉल्व किया। इसके जो और सवाल हैं वो भी हम अगली वीडियो में देख लेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मैं आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये पेपर करके और ये पेपर आप सभी के साथ साझा करके। मैं इसका PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूँगा, और आप प्लीज़ अपने तरीके से भी सॉल्व करिएगा, बाकी क्वेश्चंस को देखिएगा। पेपर इसके अलावा पेपर टू भी जो था वो भी मैं भेज दूंगा, ठीक है आप, लेकिन तैयारी ज़रूर करिएगा, ठीक है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, कितनी खुशी की बात होगी ना अगर आप में से कोई SDM बन जाए, UPPCS का क्वालिफाई कर ले, तो बहुत खुशी होगी। चलिए तैयारी करते हैं, ठीक है। सो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हुई कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं, मैंने अपनी पूरी कोशिश करी, मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो लाइक कर दीजिए अगर पसंद आई हो, नहीं जुड़े हैं चैनल से तो सब्सक्राइब करके चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, मुझे दीजिए इजाज़त जाने के लिए, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई सीरीज के साथ, इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तो जय हिंद जय भारत, तैयारी आप ज़रूर करिए, एक दृढ़ निश्चय लीजिए और मिलते हैं। जय हिंद जय भारत दोस्तों, सब बखैर, गुड नाइट, शुभरात्रि, बाय बाय, खुदा हाफिज़, राम राम, दुआ सलाम।